हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और आपने वेब स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे आपको फर्स्ट वीडियो मिल गई होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो मेरी सेकंड वीडियो होंगी, मतलब जो वीडियो आती रहेंगी, तो आपको इससे ही मिलेंगी, वेब स्टडी पॉइंट से। तो आपको करना क्या है, इसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और जो वीडियो आप देखोगे उन्हें लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। हमने अभी तक हम पढ़ रहे हैं, यूनिट यूनिट हमारी फर्स्ट है और चैप्टर भी हमारा फर्स्ट है। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश क्षेत्र, और हमने अभी तक इसमें टॉपिक करे वैद्युतिकी, और दूसरा करा विद्युत आवेश तथा उसके प्रकार। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है विद्युत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। ये आपको हेडिंग डालनी है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। इसे नोट कर लो। अब हम फिर इसके बारे में लिखते हैं। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु, परमाणु या इंग्लिश में बोलें एटम, ठीक है, परमाणु कहते हैं, ठीक है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। हमारा जो हेडिंग है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो हमारी आवेश की उत्पत्ति होगी वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर होगी। तो इसमें हमें करना क्या है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु इंग्लिश में वो कहते हैं एटम कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा हम हमारी हेडिंग ये है और ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो अब हम आगे क्या देखते हैं, जो परमाणु है, परमाणु का, सॉरी यहाँ पर आएगा परमाणु में धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान परमाणु के, परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या है, परमाणु में धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब नाभिक में, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें हमारा चल रहा है, ये आवेश की उत्पत्ति और इलेक्ट्रिक सिद्धांत। तो आपने देखा ये सब कुछ। तो अब इसमें हमने देखा नाभिक में जो धनावेशित प्रोटॉन है तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या देखेंगे, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं, ये तो अब समझ में आ हुआ। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे कि नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में
नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। हमारे नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, मैं अगर इसकी शेप बनाऊं तो ये कुछ ऐसे होगी। ये हमारा नाभिक है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, ठीक है। और जो इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं, ये हमारी कक्षा होगी इसके साथ चारों तरफ, ठीक है, कक्षाएं हैं। तो इनमें क्या है, हमारा ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें कक्षाओं में। जो नाभिक के बाहरी जो कक्षाएं हैं, इनमें हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या बाहर कक्षा में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लो, फिर आगे और चर्चा करते हैं। तो हमने भी देखा, हमने नाभिक देखा, परमाणु देखा, ठीक है। तो जो हमारा नाभिक है, नाभिक में होते हैं हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। नाभिक में जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो धनावेशित होता है, और जो हमारा प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे, अतः नाभिक पर धनावेश उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, आपको समझ में आ गया होगा, अतः नाभिक पर धनावेश उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव होता, इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जितना नाभिक पर अंदर होगा, तो जितना नाभिक पर धनावेश होगा, वो उसके जो चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर होगा, ठीक है। जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उदासीन परमाणु क्यों होता है, तो जिस कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं नोट से, जब किसी एक वस्तु को दूसरी उपयुक्त वस्तु से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, देखते हैं अब आगे। जब किसी एक वस्तु को दूसरी उपयुक्त वस्तु से रगड़ा जाता है तो किसी एक वस्तु से कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, समझ में आता होगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहाँ पर, तो वो क्या हो जाती है, वस्तु धनावेशित हो जाती है, ठीक है। एक बार और बता दूँ, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं
वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। मतलब एक बात सब सब में साफ साफ समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दिखाती है, धनावेशित, ठीक है, जो हमारी धनावेशिता है उसको दिखाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जबकि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं और जिस पर जा रहे हैं, ठीक है, और इस यहाँ पर वस्तु से स्थानांतरित हुए, यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हुए, और जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए एक वस्तु से दूसरी पर, तो जिस वस्तु से हुए तो वो तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उसके उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो वस्तु क्या होगी, धनावेशित। और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं हो रहे हैं, ठीक है, वे उस वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है तो वो वस्तु ऋणावेशित होगी, ठीक है। तो आपके ये जो हमारा समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है, और आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर चर्चा करेंगे। हमने अभी आवेश के उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, अब आगे हम इसकी विधियाँ पढ़ते हैं, आवेशन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी चालक की निम्नलिखित विधियाँ होती हैं, तो पहली विधि क्या है हमारी, तो ये आएगी घर्षण द्वारा आवेशन, या हम इंग्लिश में लिखें चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा यह हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, इसके बारे में लिखेंगे किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर, किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर दोनों पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन, किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर दोनों पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, तो दोनों पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, तो दोनों पदार्थ क्या हो रहे हैं, आवेशित हो रहे हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, ठीक है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आवेशित नहीं लिखेंगे हम, धनावेशित हो जाता है। मतलब हमने इसमें क्या बताया, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण,
मतलब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस पर कमी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, तो इसी कमी के कारण क्या होता है, वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे, जिस पदार्थ पर, जिस पदार्थ पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वह पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तुम्हारी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हुआ क्या है, किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर दोनों पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। दोनों पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों पदार्थ आवेशित हो गए। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कमी के कारण हम क्या कहेंगे, वो पदार्थ धनावेशित हो गया। ठीक है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो वह पदार्थ, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसी अधिकता के कारण हम जो ये पदार्थ है सेकंड वाला, उसे हम बोलेंगे ये पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक है, आप इसे इतने इसे नोट करो। ठीक है, नोट करो, फिर आगे हम दूसरी विधि बताते हैं। हमने अभी आवेश की एक विधि, हमने पहली विधि देख ली है, तो हम सेकंड विधि, यहाँ पे सेकंड विधि करेंगे। तो सेकंड विधि क्या है, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, पहली विधि क्या थी हमारी, घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरी विधि क्या है, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, यह होगा चार्जिंग, चार्जिंग वाई कंडक्शन, कंडक्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसमें आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, यदि एक आवेशित पदार्थ को दूसरी आवेश रहित पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो आवेश रहित पदार्थ उसी प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाता है। या हम कहेंगे जो हमारा आवेश पहले वाली पदार्थ पे था, वो ही आवेश हमारे जो आवेश रहित जो पदार्थ है, इस पर कोई आवेश नहीं था। ठीक है, जब हम आवेश वाले पदार्थ के पास में इसे संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, जो आवेश हमारा इस वाले पदार्थ पर था, पहले वाले पर, तो वो ही उसी प्रकार का आवेश हमारे सेकंड वाले में, जो आवेश रहित पदार्थ है, उसमें आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों दोनों पदार्थों
दोनों पदार्थों के आवेशों की मात्रा समान न हो जाए। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है दोनों। ठीक है, दोनों विधि हमारी क्लियर हो गई। पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन, पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन, सेकंड है हमारी चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया, एक पदार्थ है वो आवेशित है, एक पदार्थ है वो आवेशित है, चलो मान लो वो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा सेकंड पदार्थ है वो हमारा आवेश रहित है, उस पर कुछ भी आवेश नहीं है। तो हम अब क्या करते हैं, दोनों आवेशों को संपर्क में लाते हैं, मतलब पास पास लाते हैं। तो इस अब क्या होता है, जो हमारा आवेशित पदार्थ है उससे जो हमारा आवेश रहित पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्थानांतरण होगा। ठीक है, स्थानांतरण होगा, और स्थानांतरण जब तक होगा जब तक दोनों दोनों पदार्थ समान न हो जाएंगे आवेश में, जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, जब तक दोनों पदार्थ हमारे दोनों पदार्थों का आवेश समान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों पदार्थों पर आवेश समान हो जाता है, बेशक हमारा पहला पदार्थ है उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज दूसरे पदार्थ पर, यहाँ पे इस पर कुछ भी मतलब आवेश रहित है, तो इस वाले पदार्थ से इस पर आवेश हमारा जब तक जाएगा जब तक यहाँ पर प्लस ना हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हमारा प्लस है और दूसरे पदार्थ में प्लस होता है, दोनों पदार्थों की मात्रा समान होती है, आवेशों की मात्रा, पदार्थ के आवेशों की मात्रा समान होती है, उसके बाद हमारा दोनों पदार्थों के आवेश समान हो जाते हैं। ठीक है, तो चालन द्वारा आवेशन हमारा दोनों पदार्थों के आवेशों को समान करने का तरीका बताता है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको मेरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अधिक प्राप्त हों, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और ये भी बताना कुछ कमी तो नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताना है, और मतलब कोई डाउट हो तो पूछना है। ठीक है, थैंक यू।